प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में इंटीग्रल या इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ेंगे और आज हम लोगों का ये तीसरा लेक्चर होगा। अभी तक जो हम लोग दो लेक्चर पढ़े हैं, पहले लेक्चर में आपको कुछ डेफिनेशन बताया था और मैं आपको इंटीग्रेशन का कहाँ कहाँ यूजेज है वो मैं बताया था और कुछ फॉर्मूला को हम लोगों ने डेरिवेटिव से बनाया था। मैं आपको एंटी डेरिवेटिव के बारे में बताया था, प्रिमिटिव या इंटीग्रल के बारे में मैं आपको बताया था। दूसरा जो लेक्चर था उसमें मैं आपको इनफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था और फिर जो है कि कुछ इंटीग्रल इंडिफिनिट इंटीग्रल का मैं आपको प्रॉपर्टीज को बताया। तो प्यारे बच्चों आज तीसरे लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी से एग्जांपल को बताऊंगा। तो आइए बच्चों मैं यहां पर एक जो एग्जांपल पहला नंबर एग्जांपल को मैं लिख दिया हूं, इसको हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझ कर बनाने का। क्या है तो देखिए क्या है। कहता है कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करके आपको बनाना है। याद रहे बाबू, एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रीमिटिव प्रिमिटिव या इंटीग्रल्स, सब एक ही चीज है, समझ गए। तो आइए हम लोगों को जो है ना बाय इंस्पेक्शन बनाना, ठीक। अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके नहीं, हालांकि करना तो इसको इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके नहीं करना है, इंस्पेक्शन से करना है, ठीक है। आइए हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन, फर्स्ट आपका क्या है, cos 2x है, इसको इंटीग्रेट करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन वाले मेथड से बनाना नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बनाना है तो डिफरेंशिएशन के मेथड से बनाना है। आप बताइए कि आखिर क्या चीज को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा कि cos 2x आ जाए या cos आ जाए। सबसे पहले बताइए कि क्या चीज को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos आएगा। तो आपका आंसर है सर sin को डिफरेंशिएट करेंगे। और चूंकि यहां पर एंगल 2x है तो आप भी 2x ले लीजिए, यानी कि इस तरह से ले लीजिए। वी नो, हम जानते हैं कि आपको इसी तरह से बनाना है। जब यदि एग्जाम में बोल दे कि आपको इंस्पेक्शन से बनाना है तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा। हालांकि पूछता नहीं है, राहत की बात यह है, ऐसे नहीं पूछता, डायरेक्ट बोलेगा इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। देखिए बाबू, वी नो क्या बोले अभी कि बी बाय डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो साइन 2x का कितना जी, साइन 2x का cos 2x डिफरेंशिएशन और x के कोफिशिएंट से गुना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d by dx of, ये 2 आप इधर लेते आइए, साइन 2x बराबर कितना हो गया cos 2x, नहीं कितना हो गया cos 2x, यानी कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव ये हो गया ना, है ना जी, यही तरीका है। दैट इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x इज 1/2 साइन 2x। मैं ध्यान दीजिएगा कि मैं यहां पर एन एंटी डेरिवेटिव लिख रहा हूं, यानी कि एक एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि एंटी डेरिवेटिव जो है ना यूनिक नहीं होता। यहां पर आपका प्लस सी भी होगा और c का कुछ भी मान हो सकता है रियल नंबर में, इसीलिए एक यहां पर भी पूछ रहा था n एंटी डेरिवेटिव, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक निकालना था, आपको कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया 1/2 sin 2x, जबकि इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो यही आ जाता, लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो ये आ जाता, लेकिन इंटीग्रेशन के मेथड से आपको नहीं बनाना, फॉर्मूला नहीं लगाना। नंबर 2,
अब देखिए क्या है कि 3x² + 4x³ है, आप किसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इतना आएगा। तो मैं आपको बताता हूं किसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। वी नो, क्या जानते हैं कि d/dx(x³+x⁴)4 कितना हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² x⁴ का 4x³, बिल्कुल यही वाला आ गया ना जी। इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, ये वाला लिखेगा, दैट इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² + 4x³। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, इज x³ + x⁴। और एक क्वेश्चन आपका लास्ट बच गया है 1/x का। तो आप बताइए कि 1/x किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1/x आता है नहीं, तो याद कीजिए आप पढ़े थे कि log को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/x आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नंबर 3, वी नो, हाँ वी नो। अच्छा यहां पर एक चीज देखिएगा कि x जब आपका 0 के बराबर नहीं, तो x 0 के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है। पहला केस जब x आपका 0 से बड़ा हो, दूसरा केस जब x आपका 0 से छोटा हो। ठीक, वी नो, हम लोग जानते हैं when x is greater than 0 तो d/dx(log x) बराबर कितना, 1/x होता है, समझ गए, 1/x होता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत। यानी कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log x। आल्सो व्हेन x इज लेस देन 0, जब लेस देन 0 हो तो d/dx(log-x) आप कहिएगा कि मास्टर साहब आप एक बात बताइए कि आप तो कई बार बोले हैं कि आपका लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, तो हमको पागल क्यों बनाते हैं, आप कहते हैं डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे लिखे छो माइनस, कैसे होगा कैसे होगा, बोलिए हम कहे लिखे, आप देख रहे हैं माइनस, हम देख रहे हैं प्लस, बस नजरिया का फर्क है, देखने का तरीका का फर्क है। बोले मास्टर साहब कैसे फर्क है, तो यहां पर x को 0 से छोटा आपने ले ही लिया है, तो 0 से छोटा का मतलब आपने x को निगेटिव माना है, एगो निगेटिव यहां पर, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए हमको प्लस दिख रहा था, आपको माइनस दिख रहा था, यही अंतर है आपके और मेरे नजरिया में। अब log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/-x, और x के कोफिशिएंट से आप गुणा कर देते हैं, x का कोफिशिएंट -1 है, कहने का मतलब माइनस माइनस कैंसिल, 1/x ही हो गया। तो इसको एक मानते हैं, इसको दो मानते हैं, तो दोनों ही केस में आपका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log-x, log यहाँ पे log x, यहाँ पे log-x, और इस दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन करके मॉड में लिख देंगे, लिखेगा देयरफॉर बाय 1 and 2 एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/n लिख दीजिएगा, n एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log-x। मॉड में क्या होगा कि प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों होप कि आपको समझ में आया होगा, हालांकि जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलता है कि इंस्पेक्शन के मेथड से बनाइए, लेकिन यहाँ बोला था तो हम लोग बना लिए। हाँ सिंपली बोलता है कि आप जो है कि इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, लेकिन जब भी एंटी डेरिवेटिव रहेगा तो आपको बाय इंस्पेक्शन से ही बनाना होगा। ठीक है बच्चों, आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों को इसका इंटीग्रल्स निकालना है, यानी कि इंटीग्रेट करना है।
तो आइए हम लोग बनाते हैं नंबर वन को क्या है। तो वन आपका है आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों सबसे पहले इस आप जो है ना बटे को अलग अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, तो आई बराबर एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर और आपका हो गया डी एक्स, यानी कि आई बराबर एक्स माइनस, बल्कि इसको भी ऐसा कर लीजिए एक्स माइनस और एक्स पे पावर माइनस टू और साथ में आपका हो गया डी एक्स। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लीजिए बाबू, तो आई बराबर एक्स डी एक्स माइनस एक्स पे पावर माइनस टू डी एक्स। इसको हम लोग क्या किया अलग अलग कर दिया। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना कि दो फंक्शन को जोड़कर, वहां पे मैं सिर्फ जोड़कर बोल रहा था, घटा कर नहीं बोला था, तो घटा कर भी होगा, जोड़कर या घटाकर यदि आप इंटीग्रेट करते हैं या दोनों को फिर आप अलग अलग इंटीग्रेट करके तब जोड़ते हैं घटाते हैं तो दोनों ही आपका इक्वल होता है। ठीक है, वही प्रॉपर्टीज हम लोग लगाए। तो अब देखें तो फॉर्मूला क्या पड़े यहां, इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, जहां पर एन आपका माइनस वन के बराबर नहीं है। ये चीज हम लोग लेक्चर वन में क्लास वन का मतलब पहली क्लास नहीं समझ लीजिएगा, मतलब जो हम लोग का पहला लेक्चर होगा हुआ था होगा नहीं जो हुआ था उसमें हम लोग पढ़े। तो आइए इसी पीस को तोड़ते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए एक्स पे पावर एक यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर एक जोड़ एक, एन के जगह पे एक जोड़ एक, नहीं यहाँ पर एक है यानी कि एन के जगह पर एक है, तो वन प्लस वन बाय वन प्लस वन और एक जो है कि आप कॉन्स्टेंट दे दीजिए, जिसको कि हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट बोलते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, समझ गए। फिर देखिए यहां पर उसी तरह से तोड़िए, एक्स पे पावर एन के जगह पे है कितना माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन बटे माइनस टू प्लस वन और एक आप दे दीजिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो आई बराबर क्या मिल गया बच्चों, यहां पे मिल गया एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन और यहां पर माइनस एक्स पे पावर माइनस वन बाय आपका माइनस वन माइनस सी टू, यानी कि आई बराबर एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया और एक्स पे पावर माइनस वन का मतलब हो गया वन बाय एक्स। ठीक है, और सी वन और सी टू दोनों मिलाकर आप एक कॉन्स्टेंट ले लीजिए सी वन, जहां पर सी बराबर सी वन माइनस सी टू, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझिए यही आपका हो गया आंसर। तो अब आगे से आपको क्या ध्यान में रखना है, यहां पर तो मैं मान लीजिए कि यहां पे दो इंटीग्रल था तो मैं यहां पर दो बार जो है कॉन्स्टेंट में ले लिया, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट में ले लिया, लेकिन अब आगे से आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप जो है ना भले दो तीन चार दस जितना भी आपका इंटीग्रल्स रहेगा तो जब सारा खत्म हो जाएगा इंटीग्रल तो आप लास्ट में एक आप कॉन्स्टेंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जोड़ दीजिएगा। यहां पर मैं दो ले लिया था क्योंकि पहला क्वेश्चन था, लेकिन आने वाले समय में अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स पे पावर टू बाय थ्री प्लस वन और आपका डी एक्स। ठीक, तो पहले इसको अलग अलग कर दीजिए, तो एक्स पे पावर टू बाय थ्री डी एक्स और प्लस वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप इसको वन डी एक्स लिख सकते हैं या ओनली डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए तो फॉर्मूला आप लगाइए, आई बराबर एक्स पे पावर टू बाय थ्री प्लस वन बाय टू बाय थ्री प्लस वन, दिखा कि नहीं यहां तक, हाँ यहां तक दिख गया है और यहां पर कितना है वन, समझिए तो वन को आप फिलहाल छोड़ भी दीजिए, रहने दीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक, तो अब देखिए तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ आ गया ना,
तो मैं आपको क्या बताया था कि जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ आ जाए तो आप दोनों को ही छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका बच जाएगा x, समझ गए, क्या बच जाएगा x। तो प्लस आपका कितना हो गया, तो प्लस x, और एक आप क्या दे दीजिए, तो एक कांस्टेंट आप दे दीजिए। और अब देखिए प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, तो अब आपका i बराबर हो गया, ये लघुत्तम लीजिएगा ना, तो तीन एकम तीन दो पांच, तो पांच बटे तीन, पलटी मारिएगा तो तीन बटे पांच हो जाएगा, और x पे पावर तीन एकम तीन, तीन दो पांच, यानी कि पांच बटे तीन प्लस x प्लस आपका हो गया c। ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज जो है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आपका मान लीजिए कि dx को आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x पे पावर 0 dx, और फॉर्मूला से x पे पावर 0 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला से, बटे में 0 प्लस 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तो x बचेगा। चाहे तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को कम कर दूं, ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, ये सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये बाबू आप जो है इसको समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बाबू, बस जस्ट वेट। हाँ अब बिल्कुल ही सही दिख रहा है, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते। और अब देखिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, तो आपका नंबर 3 कहता है कि आई बराबर एक्स पे पावर 3/2 प्लस 2e पे पावर एक्स माइनस 1/x और आपका हो गया dx। तो प्यारे बच्चों पहले आप इसको एक एक करके क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। आई बराबर एक्स पे पावर 3/2 डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आपका बाहर हो जाता है, समझ गए, हम लोग लास्ट प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, और ई पे पावर एक्स डी एक्स माइनस 1/x और आपका हो गया डी एक्स। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तो एक्स पे पावर 3/2 प्लस 1, मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, फिर उसी से हम लोग भाग दे देते हैं, तो 3/2 प्लस 1 से भाग दे दिए प्लस 2 ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर एक्स का मैं यहां पे लिख देता हूं, समझ गए, क्या मैं लिख देता हूं कि ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स ही होता है, ये हम लोग पहले क्लास में इसको सिद्ध कर चुके हैं। और 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, क्या होता है log mod x, ये दोनों ही हम लोग फर्स्ट क्लास में इसको हम लोग सिद्ध कर चुके थे एंटी डेरिवेटिव से। हाँ तो बच्चों यहां पर e पे पावर x का e पे पावर x हो जाएगा, और 1/x का log mod x प्लस एक कॉन्स्टेंट दे दीजिए आप c, तो फाइनली आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, दो एक कम दो और तीन पांच, तो पांच बटे दो, पलटी मारेगा तो 2/5, और x पे पावर 5/2 प्लस 2e पे पावर x माइनस log mod x प्लस c, और यही हो गया आपका आंसर। हाँ यही आपका हो गया आंसर, होप कि आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हाँ और मैं एक बार आपको बोलूंगा कि जितना भी फॉर्मूला है, मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 5 से 10 मिनट का रहेगा, कि सारा का सारा फॉर्मूला जो है वह आपका एक ही साथ में आ जाएगा, और उसका आप नोट्स बनाकर उसे आप कहीं पर एक जगह अपने घर में स्टडी रूम में आप टांग दीजिएगा, 2-3 पेज में हो सकता है बनेगा, ताकि सारा फॉर्मूला आपका एक साथ रहे। आइए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं, देखिए क्या है।
कि तीन क्वेश्चन है और तीनों को इंटीग्रेट करना है। आइए बारी बारी से हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। नंबर वन, आई बराबर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो अब देखिए बाबू, ऐसा है कि अब इसको जो है ना बार बार आप इसको अलग अलग करके बनाने की जरूरत नहीं है। आप जिसको जानते हैं उसको इंटीग्रेट करते जाइएगा, नहीं तो क्या है कि मतलब ज्यादा लिखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप इसे एक बार अलग करते, इसे एक बार अलग करते तो आपका बहुत समय लग जाता है, एक दो लाइन बढ़ जाता। अब डायरेक्ट बनाइए। जैसे डायरेक्ट क्या बनाइएगा, हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। अच्छा, अब धीरे धीरे जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो ये क्रिएट होगा कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। हम लोग जानते थे कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। समझिए, तो थोड़ा सा रिवर्स में एक दूसरे का उल्टा है तो हल्का सा फर्क पड़ेगा, बुझेंगे, हल्का सा फर्क पड़ेगा। तो देखिए तो बाबू आपका क्या हो गया, तो आई बराबर साइन एक्स का कितना माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस आपका एक कॉन्स्टेंट सी, और यही आपका हो गया आंसर। फिर देखिए बच्चों, हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं क्या है। आई बराबर है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉटेक्स डी एक्स। आप क्या कीजिए, अंदर घुसा के गुना कर दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको गुना कीजिएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स, और इधर बाजू में आपका क्या हो गया, तो बाजू में डी एक्स। और हम लोग बाबू फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉटेक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है बच्चों, ये हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, इसके जगह पे माइनस कॉटेक्स और इसके जगह पे माइनस कॉसेक एक्स, और लास्ट में आप एक कॉन्स्टेंट को दे, और यही आपका हो गया बच्चों आंसर। ठीक, और अब देखिए बाबू आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आई बराबर वन माइनस साइन एक्स बार कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों ऐसे केस में पहले इसको अलग अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आई बराबर इंटीग्रेशन वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका हो गया डी एक्स। तो अब देखिए, तो आई बराबर इंटीग्रेशन वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर आप इसको इस प्रकार से तोड़िए, एक बार तोड़िए वन बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स। समझ गए, कॉस स्क्वायर एक्स था ना, दो बार है, तो एक बार हमने सिर्फ वन बाय कॉस एक्स लिख दिया और एक बार साइन बाय कॉस कर दिया। अब आप जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं उसको करते जाइए, समझ गए, और जिसका नहीं जानते हैं या जिसको और भी अभी सॉल्व करना है उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है टेन एक्स। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो गया बाबू, चूंकि आप इसका अभी जान रहे हैं तो इसके जगह पे आप लिख दीजिए टेन एक्स माइनस, इसको अभी आप नहीं जान रहे हैं तो उसके जगह पे इंटीग्रेशन दीजिए। वन बाय कॉस का मतलब हो गया sec x, और साइन बाय कॉस का मतलब टेन एक्स डी एक्स। और याद कीजिए बाबू, हम लोग जो है ना पहले लेक्चर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, यानी कि sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x। समझ गए बाबू, तो आपका i बराबर कितना हो गया,
टेन एक्स माइनस यहां पर कितना हो गया बाबू सेक एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट आपका हो गया सी और यही आपका हो गया एम। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों हम लोग एग्जाम्पल फोर को पढ़ते हैं। क्या है फोर? कहता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स वेयर एफ जीरो इक्वल टू थ्री। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया प्रिमिटिव या इसी का मतलब हो गया इंटेग्रल। समझ गए इंटेग्रल, ठीक है। सब आपका एक ही मीनिंग है, बस कहने का तरीका अलग अलग। तो हम लोगों को जो एफ एक्स दिया हुआ है इसका हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटेग्रल निकालना है, प्रिमिटिव निकालना है। कब? जब एफ जीरो इक्वल टू थ्री और छोटकी एफ का एंटी डेरिवेटिव जो है आपका बड़की एफ। याद रहेगा छोटकी एफ का एंटी डेरिवेटिव क्या है? बड़की एफ। वही हम लोगों को याद करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। एक बात बताइए कि वैसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पर इतना आएगा, तभी ना एंटी डेरिवेटिव से बनेगा। तो देखिएगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वी नो डी बाय डी एक्स ऑफ बाय इंस्पेक्शन बनाना पड़ेगा। समझिए एक्स पे पावर फोर माइनस सिक्स एक्स बराबर क्या होता है? एक्स पे पावर फोर माइनस सिक्स एक्स, एक्स पे पावर फोर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फोर एक्स क्यूब और सिक्स एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सिक्स आ जाएगा। ये वाला हाथ हो गया नहीं आ गया ना? तो लिखिएगा देयर फोर, इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया, ठीक है। देयर फोर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस सिक्स इज कितना बाबू? तो x पे पावर 4 माइनस सिक्स एक्स, और याद कीजिए कि हम लोग अपने मन से एक कॉन्स्टेंट दे देते हैं, ठीक। और इसी चीज को इस उन्होंने क्या बोला है fx। कहने का मतलब है दैट इज fx बराबर आपका हो गया 4x क्यूब माइनस सिक्स एंड बड़की एफ एक्स बराबर हो गया आपका एक्स के पावर फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस सी, यानी कि ये बड़की एफ एक्स छोटकी एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है। हियर बड़की एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ छोटकी एफ एक्स, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब ये कंडीशन भी है, कंडीशन ये है कि जब आपको x बराबर जीरो है तब आपको निकालना है, क्योंकि f जीरो बराबर थ्री है। तो यहां पर जो है x के जगह पे जीरो रख दीजिए तो जीरो पे पावर फोर माइनस सिक्स इंटू जीरो प्लस सी बराबर थ्री। कहने का मतलब है c बराबर कितना हो गया? तो c बराबर हो गया थ्री। और अब एक में इसका वैल्यू ले लीजिए तो therefore fx बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो x पे पावर 4 माइनस सिक्स एक्स प्लस सी, और c के जगह पे आप क्या ले लीजिएगा? तो c के जगह पे ले लीजिएगा 6, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए? मैं मिला लेता हूं पहले क्या है, तो बिल्कुल ही आपका ठीक है बच्चों, यही आपका हो गया आंसर। तो ये आपका हाँ चार एग्जांपल था सिर्फ पहले चैप्टर के लिए, पहला एक्सरसाइज के लिए। तो मैं चारों एग्जाम्पल को बता दिया, पहले आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक बच्चों, और अब मैं जो है कि एक तीन चार रिमार्क्स लिखकर फिर इस सेशन को खत्म कर दूंगा। आइए बच्चों अब कुछ रिमार्क्स पढ़ते हैं और फिर इस सेशन को हम लोग समाप्त कर दें। रिमार्क्स नंबर वन,
क्या देखिए आप कि d by dx of fx plus c बराबर fx है, समझ गए, बराबर fx है। तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx इज fx plus c, समझ गए। एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है, प्रिमिटिव, या इसी का नाम है इंटीग्रल। और तब आप कहते हैं कि ये जो है ये भाई साहब यूनिक नहीं होता है, समझ के बाबू, क्या बोलते हैं कि आपका यूनिक नहीं होता है। दैट इज आप किस तरह से कह सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सी, और ये आपका यूनिक नहीं। लेकिन यदि सी का कुछ आप पार्टिकुलर मान ले लेते हैं, उससे आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है। इसको ऐसे लिखेंगे बाय असाइनिंग पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी वी गेट पार्टिकुलर इंटीग्रल। तब हम लोगों को यदि सी का कोई स्पेसिफिक मान, कोई पार्टिकुलर मान लेते हैं, तो उससे स्पेसिफिक इंटीग्रल, स्पेसिफिक एंटी डेरिवेटिव या पार्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव आपको मिलता है, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, जिस प्रकार से सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, उसी प्रकार से सभी फंक्शन का इंटीग्रेशन भी संभव नहीं। एग्जाम्पल, यदि एफ एक्स बराबर ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, देन इंटीग्रेशन ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, समझ गए। हर प्रकार के फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर आए। नंबर थ्री, यदि आपका वेरिएबल जो वेरिएबल आपका यदि बदल जाएगा तो फंक्शन भी बदल जाएगा। जैसे इस प्रकार से यदि वाई पे पावर फोर डी वाई, हम लोगों को वाई पे पावर फोर को इंटीग्रेट करना है, तो अब देखिए इसको किसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, तो वाई के रेस्पेक्ट में। तो इसका कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, वेरिएबल सिर्फ बदल जाएगा, यानी कि वाई पे पावर फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन प्लस सी, यानी कि वाई पे पावर फाइव बाय फाइव प्लस सी हो जाएगा, समझ गए बच्चों। तो यही तीन रिमार्क मुझे आपको बताना था। मैं इसमें क्या बताया कि यदि वेरिएबल बदल जाएगा तो फॉर्मूला का फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ वेरिएबल आपका जो है बदला हुआ रहेगा। यहाँ पे मैं क्या बताया, सभी फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं क्या बताया कि सी का यदि आप कोई पार्टिकुलर या स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिलता है, ठीक है। तो बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि आपका जो है ना कि अब हम लोगों को पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो दोनों में हम लोग कंपैरिजन को एक बार देख लेंगे, तो ठीक है बच्चों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए, मैं इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज के साथ आएंगे, और एक्सरसाइज 7.1। और बच्चों मैं कहूंगा लास्ट में जाने वक्त कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाइए,
और फिर जो है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक करना नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।